हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेपिन कोचिंग क्लासेस। इसमें आप देखते हो आपके क्लास रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वीडियो के जरिए हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर हैं ये सब आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग कमेंट जरूर करना, हमारे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल वेपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज की जो वीडियो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है, उनका इंग्लिश का चैप्टर जो है ये फर्स्ट लिया गया है इसमें। तो ये 9th क्लास के इंग्लिश का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है द फन दे हैड। तो चलिए हम नेक्स्ट शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। और ये जो बुक है इंग्लिश की जिसका नाम है वे है, उसका चैप्टर फर्स्ट है। तो देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसमें आपको एक स्टोरी मिलती है कि ये एक तरह से एक नए समय की स्टोरी है जिसमें बच्चे जो है बहुत ज्यादा एडवांस हैं, उनको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो रोबोटिक हैं और वो घर पे ही बच्चे जो है पढ़ पा रहे हैं, उन्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, क्लास नहीं है। पर लेकिन अब क्या है कि वो बच्चे जो है इससे बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, बोर हो चुके हैं, उन्हें वो चीजें पसंद नहीं आ रही है। क्योंकि अब उन्हें अपने दादाजी की एक डायरी मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि पहले के समय, मतलब जैसा आज होता है कि क्लासेस होती थी, बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके अपने जो भी होमवर्क है उसे कर लिया करते थे, और वो लोग स्कूल जाते हैं तो कितना ज्यादा एंजॉय करते हैं, जैसे आप लोग करते हो अपने स्कूल में एंजॉय तब करते हैं, ऐसे मत कहिए कि आप नहीं करते। और तो ये चीज है, और बच्चे जो है, अब जो बच्चे इस स्टोरी में है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, बोर हो चुके हैं अपने स्टडीज से, उन्हें ये बिल्कुल कैसा लगता है कि अकेलापन महसूस करते हैं, और अगर उन्हें होमवर्क भी चाहिए तो होमवर्क उन्हें रोबोट ही दे रहा है, उन्हें अपना होमवर्क वहां पे सबमिट कराना पड़ता है, उनकी हेल्प के लिए कोई दूसरे फ्रेंड्स नहीं है जो उनके साथ बैठ सके। तो कुछ इस तरह से स्टोरी चलती है। द फन दे हैड, मतलब इसका मतलब ये है कि क्या मजे थे उस टाइम के, कि किस तरह से बच्चे उस टाइम पे एंजॉय करते थे अपने जीवन को। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ओके, इन पेरिस डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एट स्कूल एट सॉरी स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक। तो यानी कि मतलब ऐसी कौन सी चीज जो आपको पसंद थी अपने स्कूल में। तो हम सिंपल पैराग्राफ वन से स्टार्ट करते हैं। इसमें मार्जी है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मतलब मार्जी जैसे अपनी डायरी में लिखती है कि ऑन द पेज हैड इट 17 मई 2157 She wrote, Today Tommy found a real book. मतलब अब मार्जी जो एक लड़की है छोटी सी, वो लिखती है कि टॉमी जो उसका भाई है, कि उसको एक डायरी मिलती है। देखिए, मैं आपको पूरी कहानी विस्तार में बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप ये मत सोचिए कि आपको शॉर्ट में कहानी बता दी जाए और आपका काम बन जाएगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत डिटेल में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको अंदर की ही कहानी नहीं पता होगी तो समरी से आपको क्या मतलब है, समरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, मैं भी आपके लिए समरी बना दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना अगर आपको कोई स्टोरी समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो भाई टॉमी जो होता है उसका भाई, उसको एक डायरी मिलती है जिसके बारे में वो लिखती है कि जो टॉमी है उसको आज एक बुक मिलती है, रियल बुक। रियल बुक मतलब वही जो आप जिससे पढ़ते हो, क्योंकि उन बच्चों ने वो बुक्स नहीं देखी होती है। और वो दिखने में बहुत ज्यादा कैसी थी, ओल्ड थी, जैसे कि वो लड़की लिख रही है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मतलब वो उसके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसे बताया था कि ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, तो जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे लड़के थे तो उनके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंट ऑन पेपर। मतलब उन्होंने उसको क्या बताया कि जो कहानियां थी सारी वो एक पेपर पे प्रिंट होके आती थी। ठीक है, जैसे कि आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ते आ रहे हो। तो एक बार ये बात मार्सी के दादाजी ने उसे बताई थी कि मतलब उस टाइम पे जो बुक्स थी कैसे होती थी, जो प्रिंटेड में आती थी, छप कर आती थी, दे टर्न द पेजेस, मतलब वो उस पेज को टर्न कर सकते थे, पीछे भी वापस जा सकते थे जैसे कि आप लोग करते हो नॉर्मली। तो ये आप लोगों के तो बहुत नॉर्मल चीज है। तो ये कुछ एडवांस स्टोरी है जो आपको इसमें सुनने को मिल रही है। एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैज सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इज हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। मतलब अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज पढ़ी थी कि जिसमें जो वर्ड है, जैसे कि नॉर्मली स्क्रीन पे क्या देखते हो कि वर्ड ऐसे 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 चलते रहते हैं ना,
अब उसे वो चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि मतलब कि ये जो बुक्स हैं उनमें वर्ड जो है मूवी नहीं कर रहे हैं, आप वापस से उन्हें देख भी सकते हो पेज पलट के। तो वो बोलते हैं कि ये सब उसको दादाजी ने बताया उसके। अब गी से टॉमी, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर ट्रू विद द बुक यू जस्ट रोट इट्स अवे आई गेस। अब टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। मतलब वो अब जब उसके टॉमी भाई जो था उसने तो देखा तो बोलता है कि क्या देख रहे हो तुम, कितना बेकार की चीज आपने, मतलब तुमने ये बुक क्यों ले रखी है, मुझे लगा तुमने इसे फेंक दिया होगा, है ना। हमारी जो स्क्रीन है उस पे इतनी सारी तुम्हें बुक मिल जाएगी, है ना, मिलियंस में मतलब बुक्स है। जैसे कि आप लोग अपना फोन चलाते हो, आप लोग लैपटॉप चलाते हो, उसमें भी आपको तरह तरह की बुक्स हैं, विकीपीडिया है, जो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाती है। तो उसका भी मतलब यही था कि तुमने ये बुक्स क्यों रख रखी है। द सेम विद माइन सेड मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैडन सी एनी एज मैनी कलर बुक्स एज टॉमी हैड। मतलब अब क्या था कि मार्जी बोलती है कि मैंने मतलब ऐसी बहुत सी बुक देखी है, मतलब उसने पर लेकिन ये बुक नहीं देखी थी। सेम विद मैन ओके शी वॉज 11। अब याद रखना वो कितने साल की है, 11 साल की है, ठीक है। एंड हैडन सीन एज मैनी टेली बुक्स एज, मतलब जैसे जितनी टॉमी ने बुक्स पढ़ी है उतनी मार्जी ने नहीं देखी थी, ठीक है, क्योंकि भाई अभी वो छोटे थे, टॉमी बड़ा था। टॉमी कितना साल का था, 13 उसकी एज थी, तो आप लोग इसको याद रखना। तो वो कहती है तो तुम्हें ये मिली कहाँ से, तो वो बोलता है कि एक कि हमारे घर में मिली हमें तो ये। तो देन बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द आई थिंक वॉज वर्स अबाउट स्कूल। मतलब फिर वो पूछता है कि है किस चीज के बारे में, मतलब डायरी की बात कर रहे हैं ना बच्चे। टॉमी पूछता है कि ये किस चीज के बारे में है, तो मार्जी बोलती है शायद ये स्कूल के बारे में है। मार्जी बोल स्कॉल फॉर स्कूल वर्स टू राइट अबाउट स्कूल आई हेट स्कूल। मतलब जब मार्गी को पता चला स्कूल के बारे में तो वो बोलते हैं मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसमें क्या लिखा है स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में है ही क्या इंटरेस्टिंग चीज। जैसे कि आप लोगों को लगता है कि स्कूल के बारे में क्या इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसी बात नहीं होती है। जब आप स्कूल से निकल जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा याद भी आने वाला है स्कूल। तो देन मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मतलब उसे तो पसंद ही नहीं था स्कूल जाना। पर लेकिन अब क्या था कि बट नाउ शी हेटेड मोर, मतलब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसे काम ज्यादा मिलता था, उसे बहुत ज्यादा बेकार लगता था। अब जो मैकेनिकल टीचर था, मतलब एक तरह से मशीन ही थी जो कि उसे पढ़ाती थी, हैड बीन गिवन हर टेस्ट, मतलब वो हमेशा उसको टेस्ट देता रहता जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जैसे ज्योग्राफी हो गया एंड शी हैड बीन डूइंग फॉर, मतलब उसका टेस्ट में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बहुत बेकार वो काम करती थी टेस्ट में, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। एंड शी हैड बीन डूइंग रॉल्स एंड रॉल्स, मतलब बहुत बुरा से बुरा काम कर रही थी। हर मदर हैड शेक इन हर हैड सेंड फॉर द कंट्री स्पेक्टर। मतलब क्या था कि अब जो उसका जो टीचर था मैकेनिकल वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो उसकी मदर ने उसको ठीक कराने के लिए भेज रखा था कि क्या हो चुका है, मतलब काउंट इंस्पेक्टर के पास। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, मतलब एक आदमी आता है जो कि बहुत छोटा सा दिख रहा था, छोटा सा फेस था उसका रेड कलर का, एंड रेड ही नहीं मतलब नॉर्मल जो होता है रेडिश टाइप में थोड़ा सा। होल बॉक्स ऑफ टूल्स, मतलब उसके पास कुछ टूल्स थे जिसमें वो कुछ डाइल करता है, नंबर वगैरह लिखता है, वायर्स वगैरह लगे हुए थे उसके बॉक्स में। अब वो मार्जी को देख के बहुत ज्यादा स्माइल करता है और देन एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एप्पल देता है। देन टुक द टीचर पास, मतलब वो अपने साथ उस मैकेनिकल टीचर को ले जाता है। मार्जी हैड होप टू ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टूगेदर अगैन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर्स और सो देयर वॉज अगैन, मतलब उसे लग रहा था कि अब कुछ टाइम के लिए तो उसकी जान छूटी, तो लेकिन उसे पता था, मतलब वो जानती थी कि वो दोबारा से आएगा और उसे फिर से पढ़ाने लग जाएगा, जो कि उसे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता था। अब देन क्या था कि उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। एंड लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन, मतलब बिग स्क्रीन उसमें चलती थी जो कि उसे पढ़ा रहा था, उसमें लेसन चलते, क्वेश्चन आते जो उससे आस्क करते, मतलब क्वेश्चन पूछे जाते थे जो कि उसे बहुत ज्यादा बेकार लगता, ठीक है, मतलब एक तरह से बहुत छोटी थी, मतलब उसे पसंद नहीं आती थी ऐसी पढ़ाई। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू बी पुट होमवर्क, मतलब जब वहां पे उसे अपने टेस्ट पेपर होमवर्क रखने पड़ते वो स्लॉट उसे बहुत ज्यादा गंदा लगता। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पाउच कोड डे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन टाइम, मतलब वो तुरंत ही उसको मार्क्स भी दे देता कि उसके कितने मार्क्स बन रहे। अब इसे ये चीजें तो बहुत ज्यादा बुरी लगती थी, है ना, क्योंकि भाई तुरंत ही उसको मार्क्स भी मिल रहे हैं, उसका काम हुआ है ना हुआ, मतलब उसकी चीज समझ नहीं आ रही है, बस वो करे जा रहे करे जा रहे हैं। ठीक है, आप
आपको अगर कोई दिक्कत होती तो आप अपने टीचर से पूछ लेते हो ना, है ना। अगर आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत होती तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आपको उसके रिप्लाई भी देंगे। पर लेकिन जो वो मैकेनिकल टीचर है, भाई वो तो मैकेनिकल टीचर है ना, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। अगर आपको भी कोई रोबोट पढ़ाए तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ बच्चे तो हैं जिन्हें आगे पढ़ाई जाने पढ़ाई नहीं समझ आती। ठीक है, आप लोगों को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब देखो, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जिस हैड। ही सेड टू हर मदर, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, टू मिस्टर जॉन जॉनस, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज हियर द लिटिल टू क्विक एंड दोस थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोज इट अप टू व्हेन आई वाज 10 इयर्स लेवल। मतलब उसने उसको सेट कर दिया किस पे, कि मतलब 10 साल के लेवल पे, मतलब उसने उसे सेट कर दिया उसके कंप्यूटर को, मैकेनिकल टीचर को। और मतलब वो बोलता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस ज्योग्राफिकल जो पार्ट था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो आप लोग कहानी याद रखना कि दिक्कत कहाँ थी उसके टीचर में जो। एंड एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन। मतलब वो उसके सर को थपथपाते हुए फिर से चल देता है। मतलब अब जो मार्जी का टीचर था मैकेनिकल, वो ठीक हो जाता है। अब मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे। मतलब उसे लगा था कि वो अपने साथ उसको ले जाएगा, लेकिन उसने उसे तुरंत ही ठीक कर दिया। दे हैड वंस टेकिन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियर। मतलब जब टॉमी का जो टीचर था वो खराब हुआ था, तो वो ले गया था उस टाइम पे। उसके हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। मतलब हर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिख रहा है, इस डायरी में भी स्कूल के बारे में लिखा है, क्यों लिखा है, उसको बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। टॉमी बोलता है, जरा इधर तो देखो, लुक एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। मतलब पागल, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पहले के समय का स्कूल है। मतलब जो बहुत, मतलब 100 सालों से भी पुराना स्कूल है ये। He added loftily and pronouncing the word carefully. Centuries ago, मतलब 100 सालों से भी ज्यादा उसको। Margie was hurt, मतलब उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। हो फिर से स्कूल। And well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." मतलब उनके भी एक टीचर होता ही होगा, कुछ भी को, है ना। वो तो नॉर्मल सी बात है, वे टीचर भी तो हो गई। अब क्या था, दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। मतलब उनके टीचर जो होते थे वो एक ह्यूमन होता था, मैन होता था। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। मतलब जैसे हमारे टीचर होते हैं मैकेनिकल, वो नहीं है, वो क्या है, एक मैन है। तो टॉमी उसे बताता है। तो भाई मार्जी ना बहुत ज्यादा हैरान होती है, एक आदमी कैसे पढ़ा सकता है, पर सच में। तो वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। मतलब वही बच्चों को पढ़ाते, क्वेश्चन करते। ठीक है, मैन इज स्मार्ट इनफ। अब भाई मार्जी बोलते हैं, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है जो पढ़ा सके। अरे भाई बच्ची है, अब वो आदमी नहीं तो बनाया है रोबोट, उसे समझ नहीं आ रहा। अब श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मतलब जैसे हमारे पापा को पता है, जैसे हमारे टीचर हमें जो पढ़ाता है, तो यू नो ऑलमोस्ट एज मच आई वेच। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्जी को ना बड़ा अजीब सा लगा था, वो बोलते हैं कि भाई मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा भी कोई अनजान व्यक्ति मुझे आके पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्स विद लाफ्टर। मतलब टॉमी ना क्या करने लगता है, बहुत ज्यादा हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता है। द टीचर डिडंट लीव इन द हाउस, मतलब टीचर मतलब घर पे नहीं आता था पढ़ाने के लिए। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग कौन सी, स्कूल होता था उनका, जहाँ पे टीचर्स पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी चीजें पढ़ते, वहां पे सारे बच्चे मिलके बैठते, जैसे आप लोग करते हो, है ना। सभी मैक्सिमम एक ही सेम ही एज के होते थे। बट माई मदर सेज टीचर हैज टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड्स ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल्स एंड टीच एंड दैट ईच किड हैज टू बी टफ थॉट डिफरेंटली। मतलब लेकिन मम्मी ने तो बोला है कि हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है, उसे हर तरीके से टीचर को समझा के उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। द सेम दे डिडंट डू इट दैट वाई देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मतलब वो बोलता है कि अगर तुम्हें बुक नहीं पसंद है तो मत पढ़ो,
ना टॉमी बोलता है, बल्कि मार्जी बोलते हैं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे किताबें पसंद नहीं है ना। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, मतलब अब उसने बड़ा ज्यादा मजा आने लगा कि मतलब और बताओ मुझे कि क्या होता था उस टाइम पे। दे वेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल, मतलब आधे उन्होंने कहानी सुनी और उसकी मम्मी ने उन्हें बुला लिया। मार्जी लुक टू अप, नॉट येट मामा, नाउ सेड मिस्टर जॉनस, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, मतलब भाई पढ़ाई का वक्त हो गया था। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मतलब जब तुम्हारा स्कूल हो जाए तो क्या हम और पढ़ सकते हैं, मतलब उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा तो उसमें। तो बोलते हैं हाँ जरूर, मतलब उसने बस ऐसे ही बोल दिया कि हाँ चलो तुम पढ़ सकते हैं। देन ही वॉक्ड अवे, मतलब वो चले गया। द डस्टी ओल्ड बुक्स टक द बेनिथ हिज आर्म, मतलब अपने हाथों में उस बुक को दबाकर वो चलता है। मर्सी वेंट इन टू द स्कूल रूम, मतलब अब भाई वो भी अपने स्कूल रूम में चले गए, मतलब जहाँ पे मैकेनिकल टीचर उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है, जो कि उसके बेडरूम था रियली, मतलब इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, मतलब वहीं पे वो होता था, बस सैटरडे और संडे को छोड़कर हर दिन उसको वो पढ़ाता था। देख सकते हो, अरे वाह कितने अच्छे बच्चे अपने आप ही पढ़ रहे हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी कि अगर वो रोज पढ़े तो लड़की जो है बहुत अच्छे से सीख जाएगी, उसकी मम्मी बोलती थी। तो द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेट टू डेज आर्थमेटिक लेसन, मतलब आप भाई उसे मैथ्स पढ़ानी है, एडिशन मतलब एडिशन वगैरह हो गया मैथ्स में ना, जोड़ घटना फ्रैक्शन वगैरह हो गई, ये सब चीजें अब उसे पढ़नी थी। प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, मतलब उसे क्या करना था, अपना होमवर्क उसमें डालना था। अब भाई क्या हुआ, मार्च सो विद साइज शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, मतलब वो अब भी मतलब पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, जो उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था उसमें। अब उसके ग्रैंडफादर जब से स्कूल जाते थे जब वो छोटे थे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड का, मतलब जहाँ पे सारे बच्चे आते, एंजॉय करते होंगे, हंसते होंगे, शोर करते होंगे, मतलब उसे कितना मजा आता होगा सब बच्चे एक साथ पढ़ के। वो सोचने लगती है गोइंग होम टूगेदर, मतलब सब एक साथ घर जाते, फिर दिलान द सेम थिंग, मतलब एक से ऐसी चीजें वो पढ़ते हैं, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, मतलब वो एक दूसरे की मदद भी करते होंगे फिर तो होमवर्क में, एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर थे वो भी तो पीपल ही थे, लोग ही थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वैन वी एडिड फ्रैक्शन, मतलब वहां पे फ्रैक्शन आने लगी है ना, 1/2 एंड 1/4 करके। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मतलब बच्चों कितना मजा आता था स्कूल जाने में। शी वॉज थिंकिंग, मतलब वो सोचने लगती है, द फन दे हैड, मतलब वो क्या मजे थे जो वो लोग करते होंगे उस टाइम पे, उसे वो सब चीजें अब मतलब याद आ रही थी। तो हमारी जो स्टोरी थी यहीं तक थी, आपकी स्टोरी ये पूरी होती है, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों का अगर ये कोई दिक्कत हो समझने में तो आप दोबारा से वीडियो देखना, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, हमारे इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में से शेयर करना। ठीक है, आपको ये स्टोरी हेल्पफुल लगी होगी आई होप सो, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, अगर आप वीडियो को दोबारा से देखना चाहते हो तो इसे दोबारा से देखना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगी हो, और अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियोज़ और चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो, और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।